बस लेट पी ऑफ एक्स हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए जितनी इसकी डिग्री होगी, जितनी इसकी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरो इसमें एग्जिस्ट करने वाले, तो इसमें डिग्री कितना है, टू है। अब डिग्री क्या होता है कि एक्स जो वेरिएबल है उसके हायर पावर कितना है, वेरिएबल का हायर पावर कितना। देखिए यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और एक्स का हायर पावर टू है, तो इसमें डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री टू हो जाएगी। जब इसकी डिग्री टू है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो भी दो होने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज हमने लेट किया है, अल्फा बीटा लेट किया है। तो देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको बस याद रखना है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज क्या है, अल्फा बीटा, तो सम कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, यहां पे क्या है बी, कंपेयर करा लीजिए इस इक्वेशन को, कंपेयर करा लीजिए कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहां पे ए है, तो ये हो गया। तो हमारे पास हो गया सम ऑफ जीरोज, आपको ये याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर, सी, सी कॉन्स्टेंट तो सी हो गया, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए, तो हमारे पास सी बाई ए। तो हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, आपको ये दोनों याद कर लेने, इससे से आपको फोर मार्कर क्वेश्चन बन जाएगा, फोर मार्कर क्वेश्चन बन जाएगा, इसी से बहुत आसानी से बनेगा फोर मार्कर क्वेश्चन। फोर मार्कर क्वेश्चन आया भी पिछले साल का है और मे भी इस साल भी पूछ सकता है। अब देखिए अगर एक क्यूबिक हो गया, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाए, तो मान लेते हैं हमारे पास एक नया पी एक्स है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यहाँ पर क्या आ गया, क्यूबिक आ गया। तो देखिए क्यूबिक है तो हायर पावर कितना है, थ्री है, हायर पावर थ्री, इसलिए कितने इसमें रूट एग्जिस्ट करेंगे, तीन, सॉरी जीरो, इसके तीन जीरो होंगे। तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है आपको, देखिए सम पहले जाएगा सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इतना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको देखिए तरीका बता रहे हैं कैसे याद करना है, देखिए यहां पे क्या था, हमें जो हायर पावर था उससे पहले वाले का लिया था, उससे पहले वाले का कोफिशियंट हमने लिया था, यहां पर भी जो हायर पावर उससे पहले वाले कोफिशियंट लिया, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस बी अपॉन, फिर उसके बाद क्या किया था हमने, इसको लिया था, तो यहां पर हायर पावर को लिया था, तो हायर पावर हो जाएगा ए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारे पास हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें आता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहां प्रोडक्ट नहीं लिखना है, अब दो दो हमें पेयर लेके चलना है, तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, अब देखिए हमने यहां माइनस लगा दिया, इसका मतलब अगला कौन सा आने वाला है, अगला प्लस आने वाला है, तो प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या लेना है, इसको लेना है, इसको सी अपॉन ए, पहले वाले को ले लीजिए, ठीक है। देखिए वैसे एकदम मिल रहा है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम देखिए पहले इतना डिवाइड हुआ इतना लिया, फिर इतना डिवाइड हुआ इतना लिया, फिर इतना डिवाइड हुआ इतना लेंगे, ठीक है। मतलब सबको डिवाइड इससे करना है, पहले एक बार इससे इसको डिवाइड करना है ऐसे, फिर इसको डिवाइड करना है ऐसे, फिर इसको डिवाइड करना है ऐसे, लेकिन आपको साइन याद रखना है कि पहले इसको माइनस करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक और आ गया यहां से फॉर्मूला, फिर उसके बाद इसके बाद कितना, तीसरा कौन सा होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डी बाई ए, ये आपको याद कर लेनी है,
ठीक है, अगर पूछेगा अभी तू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में पूछ सकता है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जिसका ऐसा कुछ दिया रहेगा खाली इसका और इसका यूज होगा, अगर ऐसा कुछ दिया होगा कि इसका और इसका डायरेक्ट यूज होने वाला है, हो सकता है कि मे बी इसका यूज आपको करने की जरूरत ना पड़े, या फिर अगर इसका तीनों का यूज करने के लिए दिएगा तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर पता है तो आप इसको बहुत आसानी से इजिली कर लेंगे, या क्वेश्चन आएगा तो मैं इस पर क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आइए एक क्वेश्चन इसको समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल नंबर टू में देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू करा फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन हम लेके इसको थोड़ा समझाते हैं, तो अगर वीडियो को नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन से सीधे इसके बाद करवाने के बाद सीधा हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर जाएंगे अपने एक्सरसाइज 2.2 पर। तो देखिए हमारे पास एक पॉलीनोमियल दिया है, कितना एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स फिर प्लस टेन, ये हमें गिवन। तो देखिए हमें क्या बोला है, पहले तो इसमें जीरोस फाइंड करना है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें पहले जीरोस फाइंड करना है, फिर इसके बाद इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में वेरीफाई करना है। अब इसके बाद देखिए पहले इसका जीरोज निकालते हैं, तो जीरोज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आपको कुछ ऐसे दिया है पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ इस फॉर्म में दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो आप क्या कीजिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो ए इंटू सी आ जाएगा। अब a इंटू सी को क्या कीजिए, a इंटू सी हमारे पास ये हो गया, ठीक है, a इंटू सी। अब b को कुछ ऐसे दो भागों में तोड़िए b1 और b2 में, b1 एंड b2 में, कि जब हम b1 प्लस b2 करें, b1 प्लस b2 करें तो हमें कितना मिल जाए b मिल जाए, लेकिन जब हम b1 इंटू b2 करें तो हमें कितना मिल जाए ac मिल जाए। आपको कुछ ये सोच के चलना है, ठीक है, कि इस बीच वाले मिडल टर्म को कुछ इस तरीके से तोड़ना है, मिडल टर्म किसको रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखना है, मिडल टर्म में क्या रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखना है, कि इस मिडल टर्म को हम कुछ ऐसे तोड़ना है कि जब हम ऐड करें दोनों टर्म को ऐड करें तो फिर से बीच वाला टर्म मिल जाए, लेकिन जब दोनों को प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिले, इनका प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पर भी वही करने वाले, देखिए इसका मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। अब 7 को दो हमें ऐसे पार्ट में तोड़ना है, 7 को हमें दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और ऐड करने पर कितना जाए, 7 आ जाए। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या करते हैं, छोटा अभी तो छोटा है फिलहाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़ी वैल्यू आ जाती तो क्या करते हैं, बस फैक्टर कीजिए, 2 5 गया 5 1 हो गया, तो देखिए इनको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 प्लस 5 7 आ गया, और इनको ऐड 2 प्लस 5 7 आ गया मल्टीप्लाई कीजिए तो भी कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो फैक्टर बन जाएगा इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप पहले 5 को लिख रहे हैं पहले 10 को लिख रहे हैं कोई फर्क, सॉरी पहले 5 को लिख ले पहले 2 को, या फिर पहले 2 को पहले 5 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए पहले दो में से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से x कॉमन मिला था, x प्लस 2 हो जाएगा, और अगले वाले ब्रैकेट में भी हमें यही चाहिए, x प्लस 2 ही चाहिए, ठीक है। तो x प्लस 2 के लिए देखिए यहां से हम अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो x बच जाएगा, और यहां से भी 2 5 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा, तो प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए आप। तो अब यहां पे कितना हो जाएगा, अब इसमें से भी x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, दोनों में से x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, अब इसके बाद इसमें से कितना हो जाएगा, x प्लस 5 फिर बच जाएगा, x प्लस 5 बच जाएगा। अब देखिए जीरोज, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जीरोज क्या होता है, कि x की वह वैल्यू जो पॉलीनोमियल को जीरो कर दे। तो देखिए हमारे पास पॉलीनोमियल क्या, पी ऑफ x, तो हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये जीरो हो जाए, तो देखिए x इज इक्वल टू अगर माइनस 2 रख दें, क्योंकि माइनस 2 प्लस 2 कितना होता है, जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, और फिर अगर x वैल्यू माइनस 5 रख दें तो भी कितना मिलेगा, माइनस 5 प्लस 5 जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, तो यहां से भी जीरो मिला है। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो क्या कीजिए सीधे इसको जीरो को इक्वेट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो लिखेंगे द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p x इज माइनस 2 और माइनस 5, ठीक है, माइनस 2 और माइनस 5 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये तो हमारे पास जीरो निकला, कितना इसका जीरो कितना हुआ, माइनस 2 और माइनस 5 हुआ। अब इसके बाद हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है, तो देखिए सम ऑफ जीरो कितना होता है, हमने भी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा
सम ऑफ जीरोस के लिए करना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, माइनस का 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ये माइनस फॉर्मूले में आता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, 7 था, वहां पर बी होता है, यहां पर 7, तो हमने 7 लिख दिया, ठीक है, और तो कुछ हमने किया नहीं, इतना हो गया। तो मतलब हमारे पास राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है। अब इसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू में आप पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड भी 7 आ रहा है। तो देखिए माइनस का 2, अल्फा की वैल्यू कितना, माइनस 2, मान लेते हैं अल्फा ए है बीटा ए है, मान लेते हैं कि बी के लिए हमारे पास ये अल्फा है और बीटा है, ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा, तो प्लस सॉरी माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 7। देखिए माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक तो वेरीफाई हो गया। अब आपको दोनों वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों वेरीफाई करना है, तो एक हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट कितना यहाँ पर 10 है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो इधर आ गया राइट हैंड साइड 10 आ गया। अब क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड भी 10 मिला है, तो अल्फा की वैल्यू कितना है, माइनस 2 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 5, तो इधर 10 है, इधर कितना आ गया, देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 टू 10, तो 10 इज इक्वल टू 10 आ गया, तो क्या आ गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया, यहां से आपका हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है कि आपके पास दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। कितना हमारे पास पहला है? पहला क्वेश्चन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवेन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 गिवेन है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमने क्या बताया था कि पहले इसका मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट को हम इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना 1 इंटू 8 माइनस का 8, 1 इंटू माइनस 8 माइनस का 8 आ जाएगा। तो देखिए हमने जब a इंटू b a इंटू c किया तो हमें कितना मिल गया, माइनस का 8 मिल गया, और यहां से b की वैल्यू कितना है, b इज इक्वल टू माइनस का 2 है, b इज इक्वल टू माइनस का 2 है। अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 है लेकिन ऐड करें तो माइनस का 2 है। तो देखिए अब वो नंबर सॉरी अब वो नंबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हम ले लेते हैं प्लस का माइनस का 4 ले लेते हैं, माइनस का 4x अब प्लस का 2x अब माइनस का 8। अगर आपको निकालने इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, तो सीधे क्या कीजिए 8 को फैक्टर कर दीजिए, तो 2 गया कितना आ जाएगा 4 आ गया, फिर 2 गया फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से गया 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनाना है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें क्या बनाना है कि हमें ऐसा पेयर बनाना है कि ऐड करने पर कितना मिले, 2 मिले, और जब मल्टीप्लाई करें तो 8 मिले। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर दो नंबर को एक साथ ले लेते हैं, एक नंबर को एक साथ, तो कितना हो जाएगा 2 और 4 हमें मिला, हमें क्या मिला 2 और 4 मिला, 2 और 4 हमें नंबर, वो दोनों नंबर 2 और 4 मिल गया, दोनों नंबर क्या मिलेगा 2 और 4। अब लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 4 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए माइनस का 2 चाहिए। इसका मतलब हमें पहले वाले को पॉजिटिव और दूसरे वाले को नेगेटिव लेना है, पहले वाले को पॉजिटिव और दूसरे वाले को नेगेटिव लेना है, तभी ना 2 माइनस 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। देखिए हमें माइनस का 2 चाहिए भी, यहाँ माइनस का 2 यहाँ चाहिए, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, जो कि हमें क्या चाहिए था, वही हमें चाहिए था। देखिए हमें ऐड करने पर माइनस 2 भी मिल गया और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए पहले वाले दो में से क्या कौन मिला है, x, क्या बचेगा, x माइनस का 4 बच जाएगा। अब अगले वाले में भी हमें क्या चाहिए, x माइनस का 4 ही चाहिए, तो उसके लिए क्या कॉमन कर ले हम यहां से, तो हमें दिख रहा है कि यहां से अगर 2 हम बाहर निकाले, क्योंकि यहां पर x है यहां पर 2 है, तो हम क्या कर ले 2 बाहर निकाल लेते हैं, प्लस का 2 बाहर निकालना है, प्लस का 2 बाहर निकालना है। देखिए प्लस का 2 बाहर निकालना है, यहां से कितना जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा। अब फिर से दोनों में से क्या कॉमन मिला, x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा x प्लस 2, ये हमारे पास फैक्टर हो गया, हमारे पास फैक्टर हो गया। तो द जीरोज ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स आर, देखिए यहां से कितना, यहां 4 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो 4 एंड यहां से कितना हो जाएगा 4 एंड यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 2,
क्योंकि आप, या फिर देखिए आप दोनों तरीका आपको बताया, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कर सकते हैं, लिख दीजिए एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो हो गया तो भी ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो होगा तो भी ए जीरो हो जाएगा, ठीक है, दोनों केस में क्या होगा, जीरो मिलने वाला, यहां से इंप्लाई जाएगा कि एक्स इज इक्वल टू फोर, क्योंकि निगेटिव इधर गया पॉजिटिव हो गया। अब एक बार क्या मिलेगा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये इस बात को इंप्लाइज करेगा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू, दोनों केस में हमें मिल गया, देखिए फोर और माइनस टू हमें मिल गया, हमारे पास ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है इनके रिलेशनशिप को, जीरोज और कोफिशियंट के, तो देखिए तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, वेयर माइनस बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, ए क्या कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरोज, तो देखिए सम कर दीजिए, फोर माइनस टू ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू माइनस, अब बी, बी क्या है देखिए, माइनस का फोर, माइनस माइनस का फोर, सॉरी 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 सॉरी, बी क्या है यहां पर देखिए, माइनस का टू है, बी कितना है माइनस का टू है, ये माइनस कहां से है फॉर्मूले का, और ये माइनस का टू कहां से आ रहा है ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर कीजिए तो माइनस का टू आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितना है वन है, ए की वैल्यू कितना है वन है, तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, फोर माइनस टू करेंगे तो आ जाएगा टू इज इक्वल टू, इधर कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू, तो देखिए टू इज इक्वल टू आ गया, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस क्या हुआ वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना था, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, इज इक्वल टू कितना होता है सी बाई ए, मतलब कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट कीजिए तो कितना जाएगा फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू, सी कितना है देखिए, सी की वैल्यू माइनस का एट की वैन है, अपॉन ए की वैल्यू वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का एट इज इक्वल टू माइनस का एट, दोनों के दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है दोनों के दोनों वेरीफाई हो गए। अब देखिए अब इसके बाद एग्जांपल क्वेश्चन नंबर टू एज इट इज एकदम इसी तरीके से हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ या फिर बता दे क्वेश्चन नंबर अब बात कर लेते हैं एट की सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स की, वन टू थ्री फोर 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 की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, तो इसको वीडियो को पॉज करो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो सेकेंड और थर्ड एकदम इसी के बेस पर है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कोई नई चीज़ सीख नहीं सकते, खुद से प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी गिवन है आपको, वहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है फोर पी ऑफ यू दिया है, यहाँ पर x में वेरिएबल नहीं, यहाँ पर u में वेरिएबल है, p of u is equal to 4u स्क्वायर, 4 एक्चुअल में 4 और u एक ही जैसा होगा तो हम 4 को इस तरीके से बना लेते हैं, u स्क्वायर 4u स्क्वायर और प्लस का 8u, प्लस का 8u, ठीक है इतना हो गया। अब देखिए इससे इजी तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता, इससे इजी देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इससे इजी तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता, अगर आगे एग्जाम में तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, अगर आगे एग्जाम में तो आपके बल्ले बल्ले, देखिए कैसे, यहाँ से क्या कीजिए 4u कॉमन ले लीजिए, 4 हमने क्या किया 4u दोनों में से कॉमन लिया 4u, देखिए तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा u, यहाँ कितना बचेगा प्लस का 2, यही बचने वाला है, यही बचने वाला है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल को जीरो कौन करेगा, अगर u की वैल्यू हम जीरो पुट कर दें, क्या करें पहले हम, अगर u की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो अगर इसकी वैल्यू जीरो पुट किया तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एक जीरोस क्या हो गया जीरो हो गया, एक जीरोस क्या हुआ जीरो हो गया। अब अगर हम इसमें यू की वैल्यू कितना पुट कर दें टू माइनस का टू पुट कर दें, यू की वैल्यू माइनस टू पुट कर दें, जैसे ही ए जीरो हुआ तो ए जीरो होने की वजह से इसको भी जीरो कर देगा, तो कितने जीरो मिल गए दो जीरो, एक जीरो हो गया दूसरा कितना होगा माइनस का टू। अगर वैसे नहीं समझ आता तो आइए निकाल लेते हैं, तो देखिए द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कितना हो जाएगा फोर यू इज इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो, देखिए फोर तो जीरो हो नहीं सकता, फोर तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो कौन होगा यू जीरो होगा, यू जीरो होगा होने वाला है, तो यू इज इक्वल टू, यहाँ इस बात का इंप्लाइज होगा यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो हमें एक जीरो मिल गया,
ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हमने इधर ट्रांसफर किया, 4 = 0/4 = 0, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि 4 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। अगर दो क्वांटिटी 0 के इक्वल है, मान लीजिए कि हमारे पास ए एंड बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर तीन पॉसिबल केस बनेगा। एक तो होगा या तो ए 0 होगा, ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, या फिर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, एक केस ए पॉसिबल है। और तीसरा केस क्या है, ए ना तो ए जीरो, मतलब ए इज इक्वल टू 0 हो और बी इज इक्वल टू 0, तो भी क्या होगा, ये 0 होने वाला है। अगर दो क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट है और दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उस केस में या तो ए 0 होगा, या तो बी 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे, ठीक है। अभी आपका ओ लेवल नहीं है कि दोनों नॉन 0 हो फिर भी 0 मिले, दोनों ऐसा आता है मॉडुलस अंडर मॉडुलस कि दोनों नॉन 0 होगा फिर भी 0 मिलेगा, दोनों नॉन 0 होगा फिर भी उनका प्रोडक्ट 0 आने वाला है। तो आगे हायर मैथमेटिक्स है, उसको आप छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल इतना याद यहाँ फोकस कीजिए कि दो नंबर अगर दो का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से एक नंबर, एटलीस्ट एक नंबर तो 0 होगा, दोनों भी 0 हो सकता है। तो 4 0 के इक्वल नहीं होगा, कौन 0 के इक्वल होगा, यू 0 के इक्वल होने वाला है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 u + 2 = 0, ठीक है। तो u यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो दूसरा 0 हमें क्या मिल गया, माइनस का 2। तो 0 जब पॉलिनोमियल, तो 0 जब पॉलिनोमियल पी एक्स आर कितना हो जाएगा, 0 एंड माइनस 2, ठीक है, 0 हो गया और माइनस का 2 हो गया, यहाँ हमारे पास हो गया। अब इसको आइए वेरीफाई कर लेते हैं, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाई ए। अब अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, तो अल्फा की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 0 है, बीटा की वैल्यू मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं अल्फा ये बीटा है, तो 0 - 2 = - अब बी, बी की वैल्यू कितना है, पर देखिए बी की वैल्यू कितना है, अब जब हम कंपेयर कराएंगे, मान लेते कॉन्स्टेंट हमारे पास, हमने कॉन्स्टेंट ले लिया सी, हम इसको लिख सकते हैं 0 × मतलब 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का 0 लिख सकते हैं, क्या कोई इस पर कुछ फर्क पड़ने वाला है, इस पर कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम 0 ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो हमारे पास जो वैल्यू इसकी पहली थी अब भी इसकी वैल्यू वही है, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए यार, इसलिए क्या आगे आपको समझ में आ गया, हमने ऐसा यहाँ पर क्यों किया है, देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर, 8 अपॉन ए कितना है यहाँ पर, 4 है, एक कितना है 4 है, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 = 1 कैंसिल आउट होकर -2 आ जाएगा, तो -2 = -2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू कितना है, 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 = c की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0 है, अपॉन a की वैल्यू कितना है, 4, तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0, और 2 × -2 = 0 × -2 ये भी 0, तो 0 = 0 आ गया यहाँ से भी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दोनों के दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। अब भाई सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें आई होप सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, अगर अब भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछे, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर आर सम एंड जीरो, मतलब हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है, उस केस में हमें पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो आइए, तो देखिए सम ऑफ जीरोज, पहले में क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अगर हम 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवेन है माइनस का 1, आपको ये गिवेन है। इनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, वो पॉलीनोमियल निकालना है कि ये किस पॉलीनोमियल के सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये किस पॉलीनोमियल के सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो देखिए इसके लिए क्यों ना हम इसको, जो हमारे पास कोई हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही जीरोस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा और प्लस बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर दो जीरोस दिया हुआ है, जब दो जीरोस गिवन है तो इसका मतलब एक क्वार्टिक इक्वेशन के जीरोस हैं। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, क्यों ना हम अपने जो क्वार्टिक इक्वेशन है उसको ही हम इस फॉर्म में बना ले, अगर हम उसको इस फॉर्म में बना लेंगे तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास पॉलीनोमियल होता क्या है, मतलब हमारे पास पॉलीनोमियल होता क्या, क्वार्टिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या होता है, क्वार्टिक पॉलीनोमियल होता है,
हमारे पास क्या होता है, क्वार्टिक पॉलीनोमियल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करें, देखिए, और अभी हमने इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कि ए क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, और ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, सी बाई ए। इसका मतलब यहां पर हमें ए तो नहीं चाहिए, हम क्या होना, ए से हम अगर डिवाइड कर दे दोनों, हम क्या कहें, ए से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, ऐसे ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, इतना आ गया। अब ए से यहां से कैंसिल आउट, यहां कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई ए, हमारे पास पी एक्स है, हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, यहां पर एक्स हो जाएगा प्लस का सी बाई ए। तो देखिए, हमें सी बाई ए तो यहां भी है, सी बाई ए यहां भी है, लेकिन यहां पर क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव मिल रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस, नेगेटिव का चाहिए, हमें नेगेटिव का बी बाई ए चाहिए। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से डिवाइड कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड कीजिए, आराम से हमारे पास मिल जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको फिर से ऊपर वाला दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए, या फिर अगर आपको यहां भी नहीं चेंज करना है, आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमें तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ऊपर वाला भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको कैसे यूज करना है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं। देखिए, ऊपर वाला अगर यूज करना हुआ तो आपको जो यहाँ पर माइनस का बी बाई ए गिवन है, तो माइनस का साइन को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस के साइन को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, वहां से भी आंसर बहुत आसानी से हो जाने वाला है। तो आइए, तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, तो पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस लगाया, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितना, 1/4, यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब प्लस सी बाई ए, प्लस का सी बाई ए, तो सी बाई ए कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस का 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा, ये क्या होगा, हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, पहले का एक्सरसाइज 2.2.2 का सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 2.2 4x² - x - 4। ठीक है, हमारे पास यहाँ से पॉलिनोमियल हमें मिल गया। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमें मिल गया, अब इससे करेंगे गड़बड़ होने का चांसेस ही नहीं है, 100% आपका करेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि रूट वाला, रूट में काफी लोगों को बुखार चढ़ता है, रूट वाला देख लेते हैं, बुखार चढ़ जाता है कि बुखार, अब तो पता नहीं क्या आ गया, रूट नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया, तो ये रूट वाले को पहले कर लेते हैं, आप लोग का बुखार पहले उतार लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूट को देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से होता है रूट वाले सवाल। देखिए यहाँ पर कितना है कि अल्फा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवेन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट टू गिवेन है, और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवेन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू गिवेन है 1/3। ठीक है, तो देखिए फिर से हमें वो वाला फॉर्मूला याद है, हमें फॉर्मूला क्या आता है कि पी ऑफ एक्स कितना होगा, जो हमें गिवेन पॉलीनोमियल जो मिलेगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, अब ए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पुट कर दीजिए इसी जगह, तो कितना हो जाएगा, पी ऑफ एक्स जो हमें पॉलीनोमियल मिलेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहां देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू रूट एक्स है, रूट टू है, एक्स सी बाई ए की वैल्यू कितना है, 1/3, प्लस का 1/3, 1/3 गिवन है, हाँ 1/3 गिवन है। अब इसके बाद क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3√3x प्लस का 1। अब कुछ लोग का ये भी होगा कि सर ये जो 3 है उसको हम इधर ट्रांसफर कर दें, इधर ट्रांसफर कर लें, कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पॉलीनोमियल पूछा है ना, तो देखिए हमारे पास पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारे पास मिलेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ए मिल जाएगा। ठीक है ना, हमें पी ऑफ एक्स कितना मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवेन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 गिवेन है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 गिवेन है, आई थिंक, हाँ √5 गिवेन है।
ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितना दिया है जीरो, तो जीरो एक्स, जीरो इंटू एक्स, फिर कितना हो जाएगा प्लस का रूट फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, तो जीरो खत्म हो गया। तो आंसर फाइनली आंसर कितना मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट फाइव, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सारे क्वेश्चन आपके हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अगर आपको यूजफुल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और बेल आइकन में क्या करना है, ऑल पर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तभी जाके आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।